आप सभी को मेरा नमस्कार। जय माता रानी की। तो मेरी माता और बहनों को सबसे पहले गणगौर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणगौर की कहानी लेकर आई हूँ। चैत्र का महीना आया, माता पार्वती जी को भाभी के उजीणे के लिए पीहर जाना था। तो महादेव जी बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो ईसर गोरांदे नंदी को साथ लेकर निकले। महादेव जी नंदी पर बैठे और माता जी पैदल चलने लगी। तो लोग कहने लगे, देखो आदमी तो सवारी पर बैठा है, औरत को पैदल चला रहा है। महादेव जी उतरे, माता पार्वती को नंदी पर बैठाया। यह देखकर लोग कहने लगे, देखो औरत सवारी पर बैठी है और पति पैदल चल रहा है। ऐसा सुन माता पार्वती भी उतर गई। दोनों पैदल चलने लगे, साथ में नंदी भी चलने लगा। अब तो लोग बोले, देखो वाहन होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। तो ईसर गोरांदे दोनों नंदी पर बैठे। लोग बोले, देखो छोटे से जीव पर दोनों जने बैठे हैं। माता पार्वती जी बोली, भगवान दुनिया कैसी है, नंदी पर बैठने भी नहीं देती और पैदल भी नहीं चलने देती। ईसर जी बोले, पार्वती ये संसार है, यहाँ ऐसा ही होता है। आगे गए तो एक गाय उड़ती बैठती बेचैन हो रही थी। गोरा पूछने लगी, भगवान ये गाय कष्ट में क्यों है। तो ईसर जी बोले, इसके बछड़ा होने वाला है। गोरांदे बोली, बच्चे के लिए इतना कष्ट मुझसे सहन नहीं होगा, मेरे गांठ दे दो। ईसर जी बोले, आगे चलो। आगे गए तो घोड़ी उठ बैठ करती हुई दिखाई दी। गोरांदे बोली, इस घोड़ी को क्या कष्ट है। तो ईसर जी बोले, इसके बच्चा होने वाला है। गोरांदे बोली, मुझसे इतना कष्ट सहन नहीं होगा, मेरे गांठ दे दो। ईसर जी बोले, आगे चलो। आगे गए तो राजा की नगरी में उदासी छाई थी, ढोल नगाड़े उल्टे थे। गोरांदे पूछने लगी, सब यहाँ उदास क्यों है। ईसर जी बोले, यहाँ रानी के कंवर होने वाला है। अब तो गोरांदे जी नहीं मानी, बोले बच्चे के लिए इतना कष्ट हो तो मुझे बच्चा नहीं चाहिए, आप मेरे गांठ दे दो। ईसर जी को गांठ देनी पड़ी। ईसर जी ससुराल पहुँचे, पीपल के पेड़ के नीचे वास किया। गोरांदे पीहर में सहेलियों में मगन हो गई। गणगौर नज़दीक आई। ईसर जी बोले, आज गणगौर है, सब औरतें पूजा करने आएगी। सवेरे से ही स्त्रियां पूजा करने आने लगी। गोरांदे जी ने सभी को सुहाग बांटने लगी। दोपहर के समय बणियों की औरतें ओढ़ पहनकर 16 सिंगार करके पूजा करने गीत गाती हुई आई। गोरांदे बोली, सुहाग तो सारा बांट दिया, ये औरतें अब आई हैं। ईसर जी बोले, गोरांदे चिट्टी उंगली जल में खोलो, नैनों का सूरमा निकालो, मांग से सिंदूर निकालो, टीकी में से रोली निकालो और सभी स्त्रियों को अमर सुहाग दो। गोरांदे ने ईसर जी के कहे अनुसार सबको अमर सुहाग दिया। अब ईसर गोरांदे जी घर आए। ईसर जी जीम ने बैठे, जितना बनाया सब जीम गए। अब गोरांदे जीम ने बैठी तो माँ बोली, बेटी मैं थोड़ा भोजन और बनाती हूँ। तो बेटी बोली, माँ मैं तो बेटी हूँ, कुछ भी खा लूँगी। और गोरांदे जी ने जल बाटिया और बछुए की पिंडी खाकर लोटा भर पानी पी लिया। माँ ने सीख दी। वहाँ से निकलकर इस गोरांदे जी पीपल के नीचे आए। ठंडी छाँव में थकी हुई पार्वती जी को नींद आ गई। ईसर जी ने पार्वती जी के पेट की तगड़ी खोली, देखा तो जल
जला हुआ बाटिया व बथुए की पिंडी थोड़े से पानी के साथ पड़ी थी। ईसर जी ने ढकनी वास ढक दी। माता पार्वती जी जागी तो ईसर जी ने पूछा, गोरांदे क्या क्या जीमा? गोरांदे बोली, ईसर जी जो आपने जीमा वो ही हमने जीमा। ईसर जी कहने लगे, पार्वती जी सच बोलो। गोरांदे बोली, रसोई में माँ भेद थोड़ी करेगी। ईसर जी बोले, देखो गोरांदे तुम्हारे पेट में जला बाटिया और बथुए की पिंडी के अलावा थोड़ा सा जल है। गोरांदे बहुत नाराज हुई और बोली, देखो भगवान आज तो आपने मेरी पेट की ढकनी खोली है, ऐसा जगत के साथ मत करना। पीहर की बात ससुराल में और ससुराल की बात पीहर में नहीं करनी चाहिए। माता पार्वती इतना बोली और ईसर गोरांदे जी वापस केला पर्वत के लिए रवाना हुए। आगे देखा राजा की यहाँ शहनाइयाँ बज रही थी, लोग खुशियाँ मना रहे थे। रानी बहुत खुश हुई। गोरांदे बोली, कुंवर होने पर इतनी खुशियाँ होती है, आप मेरी गांठ कृपा करके खोल दे। ईसर जी बोले, पार्वती जी मैंने पहले ही कहा था मेरी गांठ खोले नहीं खुलेगी। आगे घोड़ी के बच्चा हुआ, वह अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी, वह बहुत प्रसन्न थी। पार्वती जी बोली, भगवान आप मेरी गांठ खोलो। महादेव जी बोले, ये गांठ नहीं खुलेगी। आगे गाय अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी और बहुत खुश हो रही थी, और उस गाय की मालकिन भी बहुत खुश हो रही थी। पार्वती जी सोचने लगी, जानवरों को बच्चों की इतनी उमंग है तो मानव की तो बात ही क्या है, और ईश्वर जी से बोली, भगवान मेरी गांठ खोलो नहीं तो मैं आगे नहीं चलूंगी। पर ईश्वर जी बोले, अब कुछ भी नहीं हो सकता। थोड़े दिन बीतते, पार्वती जी ने अपने मेल का पिंड बनाया और उसमें प्राण फूके। उस बालक को रखवाले रख के माता पार्वती जी स्नान करने लगी। भगवान आए, बालक ने उनको अंदर नहीं जाने दिया तो भगवान ने पूछा कि तुम कौन हो। बालक बोला, मैं माता पार्वती का पुत्र हूँ। भगवान सोचे, ये पुत्र कहाँ से आया, और त्रिशूल से उस बालक का गला काट दिया। माता पार्वती जी ने देखा और बोली, भगवान मेरे पुत्र को वापस जीवित करो। तो शिव जी ने गणों को भेजा कि जो कोई स्त्री अपने पुत्र से विमुख होकर मतलब पीठ देकर सो रही हो उसी बच्चे का सिर काटकर ले आओ। गण सभी जगह घूमते घूमते जंगल में पहुँचे जहाँ एक हथनी अपने बच्चे से पीठ देकर सो रही थी। गण उसका सिर काट लाए। भगवान ने उस सिर को बालक के शरीर से जोड़ दिया और अमृत का छींटा दिया और बोले, दुनिया में सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश जी की पूजा होगी, बाद में दूसरे देवताओं की पूजा होगी। खोटी की करी अधूरी करो सबकी पूरी। हे गणगौर माता हम सबको अमर सुहाग देना।